क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक और राखी का वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। राखी कह सकते हैं आप इसे, या ब्रेसलेट राखी कह सकते हैं आप इसे, ब्रेसलेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे ये बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। देखिए हाथ में बांधने के बाद बहुत अच्छी लगती है। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। और गाइस मेरे चैनल पर और भी कई राखी के वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपने उन अब तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, शायद कोई ना कोई आपको राखी पसंद आ जाए। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। मैं आपके साथ ब्रेसलेट राखी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे यहाँ पे ये सिंगल कलर वूल की ज़रूरत है। तो 4-ply वूल लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए 4-ply वूल है, वर्धमान का नॉर्मल वूल है, ठीक है। और थोड़े से मुझे पर्ल वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है डेकोरेशन के लिए। देखिए इस तरह के पर्ल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसमें कोई भी क्रोशिया और कोई भी निडल्स वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट सिंपली मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से हमको धागा ले लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो 4 राउंड ले लूँगी मैं धागे के, देखिए इस तरह से 3, देखिए 3 राउंड हो गए, और ये देखिए 4, और इसको यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सिंपली गांठ लगा लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से, अब देखिए क्या करना है, इस तरह से मैं लूँगी देखिए इस तरह से, उसके बाद ये देखिए फिर से मैं इस तरह से इसी में से डालूँगी, ये देखिए, और इस तरह से इसे खींच दूँगी, ठीक है। फिर से इसमें से डालूँगी और इसे निकालूँगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए इसी तरह से हम इसको धागे को खींचते जाएंगे। देखिए इसको इस तरह से खींचेंगे और इसको ऐसे ही रखेंगे, ये देखिए, सभी धागों को इस तरह से फिंगर डाल के बराबर कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से लेंगे, और ये वाला धागा इसमें से हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए इस तरह से, अगेन जितना हमने इस साइड छोड़ा है इतना ही हम दूसरी साइड भी छोड़ देंगे। ये देखिए इसको हम बस इतना ही करके बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये चेन स्टिच बन जाएगा, देखिए बहुत ही प्यारा सा बन के आ गया है। इस तरह से हम इसे हाथ पे, चाहे तो हम इसको सिंपल इतना ही छोड़ सकते हैं ये देखिए, या फिर हम इसमें पर्ल लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको लगाना बता देती हूँ किस तरह से। देखिए देखिए सिंपली निडिल में मैंने ये धागा डाल लिया, ठीक है, यही सेम कलर की ऊन डाल ली है मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ये सीधा है, तो यहाँ पे हम एक पर्ल इसको डालेंगे और एक यहाँ पे पर्ल को टक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए, आप जितना दूर जितना नज़दीक रखना चाहें आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए।
तो इस तरह से ये ब्रेसलेट राखी बन जाती है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये चार पर्ल टक किए हैं। आप ये वाला जो एरिया है इसको बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊन बड़ा ले लें तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। अपने हाथ के अकॉर्डिंग नाप लें, जस्ट उसका जितनी आपकी ये रिस्ट है जस्ट उसका चार गुना ले लें। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये बनकर रेडी हो गया है मेरा ये ब्रेसलेट। देखिए बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा इसे, मेरे कहने पे बहुत अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। ये देखिए, ये जो धागा यहाँ पे थोड़ा सा निकल गया, इसको ना सेट कर लें, सेट हो जाएगा इस तरह से। आप यहाँ नज़दीक में भी पर्ल लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा दूर दूर टक किए हैं ये पर्ल। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल बटन भी हिट कर दें। और मेरा एक चैनल और है जहाँ पे मैं क्रोशे के वीडियोस डालती हूँ, क्रोशिया के प्रोजेक्ट बनाती हूँ, और आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें। और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को फुल वॉच करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, और शेयर ज़रूर करें सबके साथ, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।